आप लोग सब बड़े बड़े जो है यहाँ बैठे कितने भोले थे, आप लोग भूल गए, आपको याद नहीं होगा हम पहले कितने भोले थे, कहीं बुद्धि लगाते ही नहीं थे। वही भोलापन भगवान के क्षेत्र में फिर से लाना है। है मुश्किल काम, लेकिन अभ्यास करना होगा। भगवान के एरिया में बिल्कुल भोले बन जाओ तो उससे श्रद्धा पैदा होगी। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वास श्रद्धा। गुरु और वेद शास्त्र के वचन पर 100% विश्वास। वाल्मीकि को उनके गुरु ने कहा, मरा मरा कहते जाओ जब तक हम लौट के ना आवे। वाल्मीकि ने ये प्रश्न नहीं किया कि कब तक आप आएंगे और ये मरा मरा क्या बलाए है। बस गुरु की आज्ञा है, आंख बंद कर मानो, इतने भोले बन जाओ, बुद्धि लगाया कि गए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि माइक है, तुम्हारे लॉजिक माइक है, तुम्हारे एक्सपीरियंस माइक है, तो तुम वेद शास्त्र और गुरु की बात समझ सकते नहीं, क्योंकि तुम्हें अनुभव नहीं। इसलिए मान लेना चाहिए, अनुभव बाद में होगा, अनुभव होगा। जो कहा है गुरु ने, जो लिखा है वेद में, वो तुम्हारे अनुभव में आएगा, लेकिन एक दर्जा है उसका, उस क्लास में आओगे तो आएगा। जैसे 5 वर्ष का बच्चा ये नहीं समझ सकता कि हम बाप के भी बेटे हैं, माँ के भी बेटे हैं, वो काम दोष से अपरिचित है, अब कोई समझा भी नहीं सकता उसको। लेकिन एक उम्र होती है 15 साल 20 साल की, जब वो हुआ लड़का है, वो अपने आप समझ जाता है, हाँ इस तरह से हम बाप के भी लड़के हैं, माँ के भी लड़के हैं। उसी प्रकार जब तक जीव मायाबद्ध है, तब तक वेदों की स्पिरिचुअल बात, गुरु की स्पिरिचुअल बात कुछ समझ सकता है, कुछ नहीं समझ सकता। अगर नहीं समझ सकता तो उसमें आश्चर्य न करे और बुद्धि न लगावे कि यह गलत है। इसी को भोलापन कहते हैं। तो ये श्रद्धा है, ये सबसे पहली चीज है मनुष्य के लिए। जब श्रद्धा आ जाएगी तब साधु संगा आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया। पहले श्रद्धा नंबर 1, फिर महापुरुष गुरु का सत्संग नंबर 2। श्रद्धा होगी तो गुरु जो कुछ कहेगा उसी प्रकार चल पाओगे। लेकिन मगर परंतु किंतु चूंकि ये सब नहीं लगाओगे और लक्ष्य प्राप्त कर लोगे बहुत जल्दी। तो पहली कक्षा श्रद्धा, दूसरी महापुरुष का संग सत्संग, और तीसरी भजन क्रिया साधना। फिर उधार नहीं करोगे, अरे गुरु ने कहा पहले ये काम करना है और काम बाद में होगा, नुकसान हो जाएगा। अरे नुकसान तो ऐसे होता रहता है, संसार के लाभ और संसार की हानि तो अपने आप होती रहती है। बैठे बैठे 10 लाख का प्रॉफिट हो गया, अब बड़ी मेहनत करके भी 20 लाख का नुकसान हो गया है, तो सब अनुभव करते हैं रोज। उसके लिए क्यों मर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो,
और गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, साधना नहीं कर रहे हो, तो आदव श्रद्धा नंबर एक तथा साधु संग नंबर दो, फिर भजन क्रिया नंबर तीन, फिर अनर्थ निवृत्ति। यानी जो हमारा संसार में अटैचमेंट है वो माइनस होगा, नंबर चार हो गया। आदव श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा, फिर भजन में निष्ठा पैदा होगी, फिर उसके बाद भजन में रुचि पैदा होगी। रुचि माने इंटरेस्ट अपने आप, जैसे कुछ दिन सिगरेट पीता है कोई तो जबरदस्ती पीता है, फिर उसके बाद वो इतनी भर जाती है खोपड़ी में कि बिना पिए रहा नहीं जाता, ये रुचि है। फिर उसके बाद आसक्ति, फिर उसके बाद प्रेम, अब प्रेम मिला, फिर भगवत प्राप्ति, फिर तो काम सब बन गया आपका। तो भोलापन ही आप खो बैठे, इसलिए बड़े बड़े संत भगवान के अवतार हार जाते हैं आप लोगों से, और आप लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं, क्योंकि वो भोलापन आपका छिन गया, आप चालाक हो गए। वो चालाकी आपकी गुरु के आगे भी होती है, भगवान के आगे भी होती है। गुरु से झूठ बोल रहे हैं हाँ, और क्या कह रहे हैं साथ में आप तो अंतर्यामी है, अरे झूठ भी बोले जा रहा है, ये भी बोले जा रहा है, आप अंतर्यामी है। इतनी 420 गुरु से और कृपा चाहता है बहुत बड़ी, तो ये बिगाड़ दिया हम लोगों ने, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, गंदी हो गई। गुरु से छुप छुप के पाप करते समय ये न सोचना वो जान लेंगे, अरे तो मैं चोरी चोरी पाप कर रहा हूं, अरे भाई तुमने पूजन नहीं किया, पैसा नहीं है तो, लेकिन ऐसे कह दो। तो अनेक प्रकार का पाप जो आप लोग प्राइवेट समझते हैं, ये प्राइवेसी है हमारी, इसे कोई नहीं जानता, प्राइवेसी कुछ नहीं है। आप अगर ये भी मान ले हम कि गुरु आपका गधा है, तो भगवान को अंदर बैठा नोट कर रहा है, ये क्यों भूल गए आप? ये आपकी प्राइवेसी चलेगी नहीं, सब नोट हो जाती है। और फिर मेन बात, जिससे आप कृपा चाहते हैं वो कृपा नहीं मिलेगी, आप एक्टिंग करते हैं गुरु से वो भी एक्टिंग कर देगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान और महापुरुष का कानून है कि जिस तरह का व्यवहार तुम करोगे उस तरह का व्यवहार वो भी कर देगा। तुम कंप्लीट सरेंडर करोगे भोले बालक बनकर, वो पूर्ण योग खेम बहन करेंगे, पूर्ण कृपा करेंगे। तुम 50% शरणागत होगे तो वो 50% कृपा करेंगे। तुम्हें कितनी कृपा चाहिए उसी प्रकार का अपना मन बना लो, अस्तु। वही भोलापन हमको फिर लाना है, एक दिन में आवे, एक साल में आवे, एक जन्म में आवे, हजार जन्म में आवे, ये साधक क्या है? जितनी स्पीड में चलेगा तो जल्दी पहुंचेगा, और चार कदम आगे चला और छह कदम पीछे। हम दर्जा एक में पढ़ते थे तो हमने एक कहानी सुना था कि एक बच्चे से टीचर ने पूछा कि तुम स्कूल आए क्यों नहीं कल? उन्होंने कहा मास्टर साहब पानी बरस रहा था। तो क्या हुआ? और बच्चे तो आए थे छाता लेके आ जाते, मास्टर साहब छाता लिए तो चले थे, लेकिन एक कदम आगे चले तो दो कदम पीछे हो जाए, इसलिए पहुंचे ही नहीं स्कूल।
मास्टर होशियार था, उसने कहा कि बेटा ये बताओ, जब तुम एक कदम आगे चलते थे और दो कदम फिसल जाते थे तो तुम पीछे की तरफ चलते, तो एक कदम आगे चलते दो कदम फिसलते तो पहुंच जाते। तो उसी प्रकार हम लोग चालाकी करके अपना नुकसान करते, भगवान का क्या नुकसान होगा, गुरु का क्या नुकसान होगा, नुकसान को हमारा होगा, पतन को हमारा होगा।